Jai Hind. Tomorrow is International Friendship Day. कल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है. इस दिन विश्व भर में लोग अपने मित्रों को याद करते हैं और नए मित्र बनाते हैं. तो मित्र क्या है? मित्रों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है. मित्र हमें खुशियां देते हैं. मित्र हमारे सुख दुख में साथी होते हैं. तो क्यों ना हम इस मित्रता दिवस को पेड़ पौधे लगाकर नए यानी लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनाए, यानी नए जिंदगी भर साथ निभाने वाले मित्र बनाए. तो ये मित्र ऐसे मित्र है जो हमारा साथ जिंदगी भर देंगे, हजारों प्राणियों को छांव देंगे, प्रकृति को सुधारना करेंगे, वातावरण में सुधारना करेंगे, हवा को शुद्ध करेंगे, और ऐसे ही कई फायदे हैं जो हमेशा जिंदगी भर देते रहेंगे. तो जियो लाइफ फाउंडेशन जियो लाइफ ग्रुप का एक ट्रस्ट है जिसमें हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, जिसमें रक्तदान के शिविर पूरे हिंदुस्तान में और देश विदेशों में होते हैं. जियो लाइफ यूथ क्लब के द्वारा हम ग्रामीण भाग के बच्चों को एजुकेशन गाइडेंस देते हैं, और मित्रता दिवस के दिन हम ट्री प्लांटेशन करते हैं. देश भर में, दुनिया भर में हम वृक्ष लगाते हैं. हमारे साथ जुड़े सभी परिवार के, जियो लाइफ परिवार के लोग, सब लोग मिलकर वृक्ष लगाते हैं हर साल, जिससे कि वातावरण में इसका अच्छा प्रभाव पड़े. हमने 2018 में 213 अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण किया था, जिसमें 3104 पेड़ लगाए. 2019 में 449 जगह किए, 17000 से ज़्यादा पेड़ लगाए, और 2020 में ये संख्या और बहुत बड़ी होने वाली है. जियो लाइफ परिवार के सारे सदस्य, सारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे मित्र, सभी लोग, एसोसिएट्स, हमसे जुड़े हुए सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, जो कि कल का दिन है. और ट्री प्लांटेशन मतलब वृक्षारोपण करना भी एक बहुत अच्छा कर्म है. इसमें जितने लोग इस वृक्ष के नीचे, मतलब प्राणी, जैसे भी प्राणी हो, इसके वृक्ष के नीचे रहेंगे, इस वृक्ष की छांव से फायदा होगा, और जिंदगी भर जिसको जिसको इससे फायदा होगा, उन सबके वो उन दुआएं हमको मिलेगी और हमारा कर्म अकाउंट पॉजिटिव होगा. इसके नीचे चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, या चाहे जीवाणु हो, तो कहीं जिंदगी भर कई प्राणियों को एक वृक्ष छांव देता है, सहारा देता है. तो इतने सारे प्राणियों की हमको दुआएं मिलेगी. तो वृक्षारोपण लगाना बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा कर्म है. देखिए, लोग इसके नीचे भोजन करते हैं तो हमको अच्छी दुआएं मिलती है. तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग कल के दिन, फ्रेंडशिप डे के दिन, एक नया मित्र बनाए. हर घर में हर सदस्य एक एक पौधा लगा के एक एक नया मित्र बनाए और उसका ध्यान रखे. और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को कुदरत के साथ फिर से जोड़े, जिससे कि उनको खुशियां मिलेगी. और घर में अगर पौधे आएंगे, घर के आंगन में अगर पौधे आएंगे, तो नई जान आएगी, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा और हमको हमेशा के लिए खुशियाँ मिलती रहेगी. और आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी मात्रा में सक्सेस करें. आप सबको भगवान का आशीर्वाद रहे और आप सबको हमेशा भगवान खुश रखे और सबका मंगल हो. जय हिंद.